हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स, मैं श्रेया। और आज का जो वीडियो है, कैप्शन से आपको पता लग गया है, फिर भी बोल देती हूँ। आज का वीडियो है हमारा फूड, एंड ये फूड स्पेशली एमजी मार्ग के साथ में ही है। मतलब एमजी मार्ग में आपको क्या क्या अच्छा ऑप्शंस मिलेंगे वो मैं यहाँ पे कवर की हूँ। जी हाँ, एमजी मार्ग में ऐसे कई सारे दुकान हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, जो इतने शॉर्ट नोटिस में कवर करना पॉसिबल नहीं है। बट मुझे पर्सनली जो अच्छा लगा, मैं इस वीडियो में वो दिखाई हूँ। तो जब आप आए तो ज़रूर ये सब रेस्टोरेंट्स एंड कैफे ट्राई करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ यमी से खाने को। फर्स्ट स्पॉट है टी सर्कल, जो नाम से पता चल जा रहा है दैट दिस इज अ प्लेस विच स्पेशलाइजेज इन टी, सिचुएटेड इन एमजी मार्ग। एक छोटी सी दुकान बट वेरी वेल डेकोरेटेड। ये रहा मेन्यू। ये जगह वैरायटी ऑफ टी, कॉफी, जूस ऑप्शंस आपको सेल करती है। यहाँ छोटे मोटे स्नैक्स भी अवेलेबल है। सो हम यहाँ से एक यूनिक सी चीज ऑर्डर किए हैं, जो जनरली सब जगह नहीं मिलती है। इट्स वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया नाउडेज, दैट इज बोबा टी और बबल टी। एंड ये काफी अच्छी है, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। सेकेंड स्पॉट है रोल हाउस, सिचुएटेड इन एमजी मार्ग। काफी फेमस है ये जगह। ऑन द गो क्विक बाइट के लिए ये जगह एकदम आइडियल है। एज द नेम सजेस्ट, दे आर फेमस फॉर रोल्स, बट दिस प्लेस इज प्योरली वेज। छोटी सी दुकान है एंड शाम के टाइम बहुत क्राउड हो जाती है। ये रहा मेन्यू, आप देख सकते हैं सारे मेन्यू बोर्ड में है। ऑल द वैरायटी ऑफ रोल्स, मोमोज विच इज अवेलेबल विथ प्राइस, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड स्पॉट है टेस्ट ऑफ टिबेट। ये हालांकि मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये जगह काफ़ी रेटिंग्स दिखाती है। ये एमजी मार्ग में है एंड ये काफ़ी पुरानी एंड आइकॉनिक प्लेस है, जहाँ पे लोकल्स एंड टूरिस्ट जाते हैं। दिस प्लेस सर्व्स अल्कोहल आल्सो। ये रहा मेन्यू। इतनी भीड़ देख के मुझे लगा कि ये जगह शायद बहुत फेमस होगी एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी है खाने में, बट सर्विस यहाँ की पथेटिक है। टेबल मिलना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने भी यहाँ पे 30 मिनट वेटिंग के बाद हमें भी टेबल मिला। अगेन हमें 20 मिनट वेटिंग करना पड़ा खाना मिलने तक। फर्स्ट ऑर्डर है चिकन मोमो। देखने में तो अच्छी है बट खाने में एकदम अच्छी नहीं है, बहुत ही ब्लैंड है और इसकी जो रैपिंग है काफ़ी थिक है। सो नॉट एट ऑल अ गुड मोमो आई वुड से, एंड फीलिंग भी उतनी खास नहीं थी। सेकेंड जो ऑर्डर हमने किया, उन्होंने हमें रेकमेंड किया था चिकन यमन, एक सूपी सा थुक्पा डिश, बट द सूप बेस वॉज टोमेटोई एंड नॉट वेरी स्पाइसी। और ये भी उनका एक स्पेशलिटी डिश है जो वो क्लेम करते हैं अपने मेन्यू से। बट बिलीव मी गाइज, मे बी इट वॉज देयर बैड डे और मेरा नसीब खराब था कि मुझे ऐसे खाना मिला, बट मुझे ये खाना एकदम पसंद नहीं आया। खाना काफ़ी टेस्टलेस है। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस प्लेस। मैं इसलिए इसको लिस्ट में डाली कि आप हो सके तो इसे अवॉइड कीजिए। फोर्थ जो लिस्ट में है वो है ओवन इन द माउंटेन। ये एक बेकरी कम कन्फेक्शनरी है। ये भी एमजी मार्ग में लोकेटेड है एंड आपको वैरायटी ऑफ केक्स, पेस्ट्री, पैटीज, बिस्किट्स, ब्रेड्स काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन में मिल जाएंगे। ये एक छोटी सी दुकान है एंड यहाँ पे क्विक स्नैक्स के लिए ये जगह ठीक ठाक सी है। आई हैव ट्राइड देयर वॉलनट मफिन, चीज टार्ट एंड चोको मफिन्स। मफिन्स अच्छे हैं बट टार्ट
कुछ खास नहीं है। तो टार्ट अगर अवॉइड करके अगर मफिन्स को देखते हैं तो मफिन्स अच्छे थे, तो आप ऑन द गो स्नैक्स के लिए इस जगह पे जरूर आ सकते हैं। फिफ्थ है ऑन द लिस्ट इज तृप्तिस, ये भी एमजी मार्ग में है। इट इज अ नोन चेन ब्रांड ऑफ कन्फेक्शनरी एंड बेकरी, ये एस्टेब्लिश्ड हुई है 1988 में। हम काफी सुबह आ गए हैं सो इसलिए रैक इतनी खाली खाली सी है, शाम के वक्त यहाँ काफी भीड़ हो जाती है। हमें बहुत सुबह सुबह आना पड़ा क्योंकि काफी भूख लगी थी एंड ये सबसे जल्दी ये ओपन होती है। जैसे मफिन्स पेस्ट्रीज एंड पैटीज जो देख रहे हैं वो अभी फ्रेशली बन के आ रहे हैं। सो हमने ऑर्डर किया है चिकन पफ, चिकन पैटीज एंड क्रीम रोल। सभी आइटम बहुत बढ़िया है, मुझे पर्सनली तृप्तिस बहुत अच्छी लगी है। ये तो जरूर ट्राई करना बनता है, आप जब भी आइएगा इस जगह को जरूर ट्राई कीजिएगा। सिक्स स्पॉट है द शफल मोमोज। शफल मोमोज ये जगह काफी अलग है, टिपिकल कैफे टिपिकल मोमो जैसी जगह नहीं है। ये गैंगटॉक की मेरी एटलीस्ट बहुत फेवरेट जगह है क्योंकि ये एमजी मार्ग में है और इनकी इंटीरियर्स के साथ इनके व्यू बहुत माइंड ब्लोइंग है। काफ़ी अच्छी कैफ़े है ये एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लोकेशन, जैसे मैंने कहा, द व्यू। अगर वेदर सही होता ना आपको मैं यहाँ से माउंटेन्स दिखा पाती। ये रहा मेन्यू, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। और ये है उनका स्पेशल कोल्ड ब्रू मेन्यू। यहाँ कोल्ड प्रेस जूस भी है फॉर ऑल दोस हेल्थ कॉन्शियस पीपल। हमने ऑर्डर किया है मोमो प्लेटर, गर्मा गर्म मोमो काफ़ी अच्छी है, साथ में सूप भी है। जो सूप के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही एवरेज है, खास नहीं है, बट मोमो गाइस मोमो काफ़ी जूसी है एंड फिलिंग भी काफ़ी सही है, मज़ा आ गया ये मोमो ट्राई करके। साथ में ये डेली सॉस एंड हॉट सॉस विथ पिकल अनियन ये सर्व होती है। यहाँ ज़रूर आप आ सकते हैं इफ़ यू लव मोमोज लाइक मी। और ये जगह थोड़ी लेस क्राउडेड है क्योंकि थोड़ी सी हटके है ये जगह सबसे, सो बेसिकली इस व्यू के लिए और इस अच्छे मोमो के लिए ज़रूर आप यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। सेवन स्पॉट है खान अंकल। खान अंकल ए प्लेस फॉर बिरयानी लवर्स, दिस प्लेस ऑल्सो एट एमजी मार्ग एंड ये जगह काफ़ी भीड़ होती है, मतलब आपको यहाँ पे हमेशा क्राउड मिलेगी। इनके रेस्टोरेंट के बाहर एक टेक अवे काउंटर है जहाँ से आपको ऑन द गो रोल भी मिल जाएगी। इनके इंटीरियर की बेस्ट पार्ट है ये फिल्मी पोस्टर। ये है मेन्यू एंड ये रेस्टोरेंट जो है ना आपको मेनली इंडियन कुजीन फोकस करती है एंड ये जगह एक्चुअली फेमस है अपने बिरयानी के लिए। हमने ऑर्डर किया है यहाँ से कोलकाता चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी वॉज स्पाइसी, बिरयानी में एक पीस ऑफ चिकन अंडा आलू है जो अच्छी बात है। बिरयानी एक्चुअली में अगर मुझसे पूछा जाए तो काफ़ी एवरेज है, मुझे लगा कि चिकन थोड़ी सी ड्राई है। आई एम श्योर यहाँ के अदर आइटम्स अच्छे होंगे। डू लेट मी नो अगर आप कभी यहाँ से कुछ ट्राई किए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ से। पर ये एक जगह है, मैं इसलिए इसको लिस्ट में रख रही हूँ क्योंकि जो लोग बिरयानी प्रेफर करते हैं कभी कभार तो ये जगह आपको गैंगटॉक में सबसे अच्छी बिरयानी सर्व करेगी, तो आप आके ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। एट स्पॉट है निम्थो। ये रेस्टोरेंट काफ़ी पॉश एंड क्लासी है, ये यहाँ की फाइनेस्ट ट्रेडिशनल फूड्स आपको सर्व करती है।
यहाँ ऐसे काफ़ी ट्रेडिशनल जगह आपको मिल जाएंगे, बट नीमथो इज़ द प्रीमियम वन। लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल सिक्किमीज चूल्हा एंड यूटेंसिल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बार अवेलेबल है। ये है उनका इंटीरियर एंड यहाँ का डेकोर काफी ट्रेडिशनल एंड रस्टिक है। यह है उनका मेन्यू, आप चाहे तो पॉज करके सही से देख सकते हैं। यहाँ बहुत फूड ऑप्शंस है, बट मोस्टली सभी ट्रेडिशनल फूड्स है यहाँ पे। हमारा फूड सर्व हो गया है एंड हमने यहाँ पे उनकी फेमस थालीज ऑर्डर किए हैं। पहले हमने ऑर्डर किया है सिक्किमीज मटन थाली। इस थाली में राइस, दो तरीके के चटनी, सैलड, बीन्स की तरकारी, एक प्याज एंड अंडा भुर्जी की तरकारी, मटन करी और दो तरह की दाल यहाँ पे दी गई है। बहुत ही अच्छे खाने हैं यहाँ पे। मुझे पर्सनली ये फुल थाली बहुत अच्छी लगी। जो हाईली मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अभी तक मेरी सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। एंड नेक्स्ट थाली हमने ऑर्डर किया है, इसे कहते हैं थकाली चिकन थाली। इस थाली में भी राइस, चिकन करी, एक तरह की येलो दाल, एक काली दाल, आलू की तरकारी, एक तरीके के साग और तीन तरीके के ट्रेडिशनल अचार एंड सैलड के साथ दी गई है। एंड इस थाली में बेस्ट आइटम मुझे लगी पर्सनली काली दाल और वो लाइट चिकन करी। ये काफ़ी इनोवेटिव ऑर्डरिंग सिस्टम है, बटन प्रेस करो एंड आपके सामने वेटर आ जाएंगे। नाइन स्पॉट है केलीज कैफे एंड मोस्टली यहाँ पे लोकल्स हैंग अराउंड करते हैं। छोटी सी कैफे है, क्यूट सी कैफे है एंड गिव्स यू वेरी वार्म एंड कोजी वाइब। गेटिंग अ सीट हियर इज बिट टफ, यू कैन सी इट्स ऑलवेज क्राउडेड विथ लोकल्स एंड टूरिस्ट। ये केलीज कैफे MG मार्ग में सिचुएटेड है। ये है मेन्यू, आप चाहे तो पॉज करके सही से देख सकते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर किया है माचा टी। ये फ्लेवर काफी यूनिक होती है, बहुत सूदिंग है कोल्ड वेदर के लिए। नेक्स्ट हमने ट्राई किया कोरियन कुजीन से, विच इज वेरी फेमस एंड इट इज कॉल्ड कोरियन कॉर्न डॉग। नेक्स्ट हमने मंगवाया है कोरियन फेवरेट डिश चिकन बिबिम्बाप। ये एक हॉट वॉक बोल में आपको सर्व होती है, ताकि नीचे की जो राइस है इस गर्म हीट से क्रिस्पी रहे। साथ में किमची भी दिया गया है
प्रेजेंटेशन वाइज काफी टेम्प्टिंग है। टेंथ स्पॉट है लोकल कैफे, वन ऑफ माय फेवरेट कैफेज इन गैंगटॉक। छोटी सी प्यारी सी एक कैफे विच ऑफर्स अमेजिंग फूड। लोकल कैफे इतनी फेमस है कि उनकी बेकरी आप जितनी भी जल्दी आओ आप देखिएगा कि रैक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाती है। जब तक हम पहुंचे हैं रैक मोस्टली एम्प्टी थे। बहुत ही अच्छी स्टाफ है यहाँ की एंड ये लोकल कैफे की वाइब बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको इतनी पॉपुलर बनाती है। इनके डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये है उनका मेन्यू, पॉज करके आप देख सकते हैं। हमने एक कैपेचिनो एक लाते फर्स्ट ऑर्डर किया है। सेकेंड हमने ऑर्डर किया है लोकल कैफे की फेमस डिश माला चिकन लाफिंग। ये एक टिबेटियन डिश है एंड लोकल कैफे इसको सबसे अच्छी बनाती है, पर बोल देती हूँ ये लाफिंग बहुत स्पाइसी होती है, बट इट इज़ टोटली वर्थ द ट्राई। एंड लास्टली हमने ऑर्डर किया है यहाँ से टिबेटियन ब्रेड सैंडविच। बहुत ही टेस्टी सैंडविच है जो आपको साइड में सैलड एंड पोटैटो वेजेस के साथ सर्व करेगी। इस सैंडविच की यूएसपी है इनके टिबेटियन ब्रेड विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी फिलिंग। ये जगह और ये खाने अब मैं आपको बोलूँगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। 11th स्पॉट है ड्रैगन वॉक। आप जब MG मार्क आओगे ये रेस्टोरेंट को आप कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये ड्रैगन स्ट्रक्चर जो उनके एक्सटीरियर में बनाई गई है इट्स वेरी आइकॉनिक। लोग यहाँ पे एटलीस्ट एक बार आके तो फोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक देयर एक्सटीरियर्स द इंटीरियर्स आर इक्वली इम्प्रेसिव, ऑलवेज बसलिंग विद क्राउड्स। यहाँ बार अवेलेबल है, हम बाहर बैठना प्रेफर किए खाना खाने के लिए। ये जो उनके ओपन एयर सिटिंग सेक्शन है आप यहाँ से MG मार्क को अच्छे से देख सकते हैं एंड व्यू को एंजॉय करके खाना खा सकते हैं। ये है उनका मेन्यू, आप पॉज करके अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के मेन्यू ऑप्शंस है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जापनीज ऑप्शंस भी है। ये है ड्रैगन वॉक का ओरिएंटल मेन्यू, काफ़ी बड़ी मेन्यू है, वाइड स्प्रेड ऑफ आइटम दे आर ऑफरिंग। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फोटोज दी गई है मेन्यू में, तो आपको पता चल जाता है आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं फोटो देख के। और ये रहा उनका बार मेन्यू। हमने ऑर्डर किया है टूना माकी, वासाबी एंड पिकल जिंजर के साथ ये सर्व की गई है। आई पर्सनली फेल्ट टूना माकी जो है थोड़ी सी ड्राई है, मे बी यहाँ पे फिश ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलती है। चाशू चिकन रैमन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, लुक्स वेरी टेम्प्टिंग एंड द रैमन ब्रॉथ इज वेरी लाइट, जस्ट परफेक्ट फॉर द कोल्ड वेदर। नेक्स्ट थिंग हमने ऑर्डर किया है बेंटो बॉक्स, मेरा फर्स्ट एवर बेंटो बॉक्स एक्सपीरियंस। बेंटो बॉक्स के साथ हमें एक मिसो सूप भी दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दो इट्स फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ बेंटो बॉक्स, बट ऑल द फ्राइड चिकन, फ्राइड प्रॉन एंड चिकन ग्रेवी वो काफ़ी अच्छे थे।
मुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लगे। 12th स्पॉट है बेकर्स कैफे। बेकर्स कैफे MG मार्ग में सिचुएटेड है एंड ये कैफे ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। ये है उनका इंटीरियर, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे बेकरी गुड्स मिल जाएंगे। दे हैव लॉट टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ देयर बेकरी गुड्स फ्रॉम मफिन्स, डोनट्स, क्रूसॉन्ट्स, पेस्ट्रीज, केक्स एंड मेनी मोर। ये कैफे फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स रोज बनाते हैं। ये है बेकर्स कैफे की मेन्यू, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। फर्स्ट हमने ट्राई किया है उनका बेकरी आइटम स्पाइरल चॉकलेट एंड डेनिश रिजन। ज्यादा स्वीट नहीं है ये, आपको कॉफी के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट हमने ट्राई किया है बनाना पैनकेक्स विद लॉट ऑफ मेपल सिरप ऑन टॉप। बहुत ही यमी एंड बहुत ही फीलिंग है एंड मैं बोलूंगी इसे जरूर ब्रेकफास्ट में ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमने ट्राई किया इनके मिक्स ग्रिल प्लेटर। इस प्लेटर में सॉसेज, हैम, बेकन, प्रॉन, फ्राइड चिकन, ब्रेड, सॉटेड वेजिटेबल्स, चिप्स एंड फ्राइड एग्स मिलती है। बहुत ज़्यादा है क्वान्टिटी एंड ये मैं बोलूँगी अगर आप मीट लवर हो, हार्डकोर मीट लवर, तो आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। इट इज़ वेरी फिलिंग एंड वेरी यमी। ये जगह आप ज़रूर आ सकते हैं, ये मेनली कैफ़े है एंड ये कैफ़े की स्पेशलिटी है इनके खाने। 13th एंड द लास्ट स्पॉट हमारे फूड टूर की है द कॉफ़ी शॉप। ये जगह MG मार्ग में है एंड ये जगह काफ़ी फेमस है लोकल्स एंड टूरिस्ट में। ये है उनकी इंटीरियर, काफ़ी डेकोर अच्छी है, सिंपल वुडन फर्निशिंग विच गिव्स यू अ वेरी क्लासी लुक। द कॉफ़ी शॉप हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एज यू कैन सी लाइक मफिन्स, डोनट्स, ब्राउनीज, चीज केक्स एंड मेनी मोर। हम जब आए हैं यहाँ पे रैक मोस्टली एम्प्टी हो चुके हैं, सो आपको अंदाज़ा हो रहा है ये जगह कितनी फेमस है। मोस्टली यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। ये है उनका मेन्यू, यू कैन पॉज टू सी इट प्रॉपरली। यहाँ पे बार भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर किया है हिमालयन सॉसेज, स्पाइसी स्टर फ्राइड सॉसेज विद वेजिटेबल्स, एकदम परफेक्ट है एक ठंडी वेदर के लिए एंड यहाँ की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। सेकेंड हमने ट्राई किया है कैनोलिनी, चिकन कैनोलिनी जो एक लजानिया टाइप की चीज़ होती है जिसे चिकन को रैप करके ऊपर चीज़ के साथ बेक किया जाता है, साथ में आपको गार्लिक ब्रेड भी दी जाएगी। ये बहुत अमेजिंग डिश होती है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ की न्यूयॉर्क चीज़ केक एंड मैं इसको टोटली बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हूँ।
अगर मुझे नेक्स्ट टाइम भी जाना पड़ा तो मैं जाके ये चीज को एक जरूर ट्राई करूंगी, बहुत ही अच्छी अगर है। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जो नए हो स्पेशली, और जो पुराने हो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ऐसे कई फूड टूर्स हम करते हैं, तो अगर वो फूड टूर आपको देखना है तो ये आई बटन में जाके क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत भूख लग गया होगा, जाके कुछ ऑर्डर कीजिए या फिर घर में बना के खाइए। एंड मिलते हैं ऐसे ही कुछ वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।